तो इस बोल क्योंकि अपने बाल काट दिए। कोडर है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में दिल्ली वाले एजुकेटेड है, और उसकी कहानी ये है कि लोगों का नज़रिया कैसे बदलता है उसको देखकर, उसके बालों को देखकर। आमतौर से हम सोचेंगे कि शायद फैमिली में कोई किसी का देहांत हो गया या डिप्रेस्ड हो गया, वरना एक लड़की अपने बाल क्यों काटे। देखा सर, अंशुल आपने एक दोनों ही इस तरह के किरदार को चुना है जो कि काफ़ी रियल इशू है। बिल्कुल, अंशुल ने उसका जो कैरेक्टर है वो अपने बाल वैक्स नहीं करती है, तो वो भी बहुत ही मतलब हर एक लड़की, कोई कोई होती हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वैक्सिंग से, लेकिन आई थिंक मेजॉरिटी लड़कियों को वैक्सिंग करना एक कंपल्सिव मतलब कंपल्सरी लगता है। आप दोनों मतलब एक कहते हैं सलाम किया जा रहा है क्योंकि आपने नए इशूज़ को उठाया और जितने यूथ हैं उसके अंदर एक नया मतलब सोचने पर, जैसे हमारे एक होता है ना एक अवेयरनेस लेने के लिए। बिल्कुल, अभी ये मैं बोलूँगी कि ये मुद्दा तो नया नहीं है, तो बहुत पुराना है, चलता ही आ रहा है, और मुद्दा उठाया ऐसे क्योंकि ये एक बहुत सिंपल सी चीज़ है ना, मतलब वैक्सिंग इज ऐसे तो है नहीं कि बहुत ही कोई हेवी ड्यूटी इशू है, नॉर्मल चीज़ है, महीने में एक बार लड़की करवाती है, नॉर्मल है, पार्लर जाती है, पार्लर नहीं जा रही है तो सास या माँ या दोस्त या कोई भी आंटी पूछेगी क्या हो गया, पार्लर नहीं जा रहे हो, वैक्सिंग बाल देखो इतने लंबे हो गए तुम्हारे, तो बट आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें ये नज़रिया है सबका, हम लड़की को कैसे देखते हैं, तो वो चीज़ थोड़ी एड्रेस की गई है कि इट्स ओके, मतलब क्योंकि ये 100 वर्षों से ऐसा चला आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि ऐसा कंपल्सिव, मतलब सही बात है ना, अगर कोई आपसे प्यार करता है तो वो आपके बाल देखकर थोड़ी ना तुम्हें प्यार करेगा, वो तो तुमसे प्यार करेगा। हम कहते हैं ना कि वो दिल खूबसूरत होना चाहिए, चेहरे में क्या है तो बालों में क्या रखा है वही बात है। कितने फ्रेंड्स हैं और जो फैंस हैं अभी तक, क्या इसका रिस्पॉन्स मिला? मिक्स रिस्पॉन्स है, लेकिन बहुत एक्चुअली टच वुड बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है, सबको बहुत पसंद आ रहा है, लोग इन्जॉय कर रहे हैं और मोटिवेशन मिल रहा है, क्योंकि एक्चुअली ये चीज़ें तो होती रहती हैं लेकिन कोई इन चीज़ों के बारे में शायद बात नहीं करता, और ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई बड़े बहुत बड़े मुद्दे नहीं उठाए गए, और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो रोज़ की दुनिया में हम देखते हैं, होती हैं ज़िंदगी में लोगों की, लेकिन उन पर शायद हम इतना गौर नहीं करते या सोचते नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि ये तो ऐसे ही होना चाहिए, लड़की तो मतलब लंबे बालों में ही होनी चाहिए और वैक्स्ड ही होनी चाहिए और पतली होनी चाहिए और ये होनी चाहिए और वैसे होनी चाहिए, ये इंडेप्टेड है हमारे दिमाग में, मतलब बचपन से ही हम इसके बाद, आपने कभी सोचा इन चीज़ों के बारे में या फिर जो मैरिड है तो बीवी तो आपके पाल हो जाती होगी, वैक्सीन कराती होगी, सभी लोग इस तरह से नहीं, तो जितनी मेरे ख्याल से ये रियल इश्यूज हैं लेकिन बताता कोई नहीं है, तो ये आपने कहीं आप सोचते ही नहीं उसके बारे में, क्योंकि वो जैसे कहा जाता है ना कि जैसे संगत का असर होगा, जैसे जो हमारी कहते हैं ना परवरिश बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसी परवरिश होगी वैसे ही हम बन जाएंगे, तो ये मतलब ऑलरेडी हमारी सोसाइटी में एक चीज़ है कि हमें बचपन से ही हमने वैसा ही देखा है अपने आसपास और घर पे भी हमने वैसा ही देखा है, तो हमें लगता है कि ऐसा ही है, इसके आगे हमने नहीं सोचा कि क्या है, क्या वो करना चाहती है, अगर वो नहीं करेगी तो क्या प्रॉब्लम है। बहुत गर्मी थी दिल्ली में तब जब हम इसको शूट करते थे एक साल पहले, लेकिन दिल्ली में एक चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगती है वो है खाना, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ और बॉम्बे में थोड़ा पानी का फ़र्क रहता है तो वो बात नहीं रहती है। दिल्ली के अंदर जो अभी देखो हमारा टाइट स्केड्यूल है आज हमारा, मतलब उन्होंने पूरा डे प्लान करके रखा है, हमें सांस लेने का वक्त नहीं है, वो भी हमने पूछा कि खाने का वक्त, मतलब सब तो तुमने कट टू कट रखा है, खाना कब खाएंगे।